Ashif Tech present, please like and subscribe. सो हे गाइस, सो यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको लाइट मोशन में आना है। यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, फोटो को ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके स्पॉट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है, फिर इस फोटो को डिलीट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। ओके, और यहाँ पे शेयर आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके स्पॉट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी फोटोज़ को क्रॉप करते रहना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको टोटल जो है ना 5 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा फोटो क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे जो 5 फोटो को क्रॉप करके यहाँ पे सेव कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं जल्दी फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको क्रॉप कर लेना है। सो गाइस, फोटो इस प्रकार से क्रॉप कर लेने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। ओके, और बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, नीचे आ जाना है। सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर, इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है, ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, अपने जो फोटो को क्रॉप किया है उसमें से पहला फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। अब फिर सेलेक्ट करके आगे जाना है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं, यहाँ पे 14 सेकंड के बाद आपको फोटो चेंज कर देना है। लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है, सेकंड फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है, वही सेम फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जो भी फोटो ऐड किया इसमें भी आप यही फोटो को ऐड करना। ओके, फिर नेक्स्ट लेयर पे वही सेम फोटो को ऐड करना, फिर इसी प्रकार से सेम फोटो को आपको ऐड करते रहना है। ओके, सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो आप फोटो को ऐड कर लेना सेम फोटो को, एंड फिर जैसे ही डबल इट मार्क आएगा यहाँ पे 17 सेकंड पे, फिर उसके बाद फोटो को चेंज कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना तीसरा फोटो को ऐड करना है। अब आगे जो लेयर है, अब इन लेयर में आपको वही सेम फोटो को फिर से ऐड करना है जो आपने तीसरा फोटो अभी ऐड किया है, यही फोटो को। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको ऐड करना है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड फिर जैसे ही डबल इट मार्क आएगा यहाँ पे 20 सेकंड पे, 21 सेकंड पे, उसके बाद आगे फिर आपको फोटो को चेंज करके अपना चौथा फोटो को ऐड करना है। ओके, अब यहाँ से लेकर आगे डबल इट मार्क तक फिर आपको वही चौथा फोटो को ऐड करते रहना है, सेम फोटो को जितना भी लेयर है सभी लेयर्स में फोटो उसी प्रकार से ऐड करना है आपको। लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फॉन्ट पे क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो है कर लेना है, फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फिर लास्ट में जो है आपको अपना लास्ट फोटो को ऐड कर लेना है। अब यहाँ से लेकर लास्ट जितना भी लेयर्स है सभी लेयर्स में आपको इस फोटो को ऐड कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेम प्रोसेस है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से इसी प्रकार से फोटो को ऐड करना, बस जब डिलीट मार्क आएगा फोटो को चेंज कर देना। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इसी प्रकार से आपको फोटो को ऐड करना है। फिर जैसे आपका फोटो ऐड हो जाएगा, रुको गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने सही फोटो को ऐड कर लिया है। तो जैसे आपका फोटो ऐड हो जाता है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर शेयर आइकन पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।